सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तौक के तूफान की वजह से इस फिल्म के सेट को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से भी फिल्म की शूटिंग देरी से चल रही है। लेकिन अब खबर है दोस्तों कि सलमान खान और कटरीना कैफ इसी महीने शूटिंग पर लौट आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगस्त में इंटरनेशनल शूटिंग शेड्यूल का भी प्लान है। मेकर्स यूरोप में और मिडल ईस्ट देशों में शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता आदित्य चोपड़ा ने क्रू मेंबर्स को वैक्सीन की पहली डोज लेने के साथ मुंबई में शूटिंग शुरू करने का आश्वासन दे दिया है। निर्देशक मनीष शर्मा पहले से ही इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे पहले लीड कलाकार सेट पर रिपोर्ट करेंगे, जहां मनीष शर्मा उसके साथ कुछ ड्रामेटिक सीन्स फिल्माएंगे। इमरान हाशमी को भी एक मुख्य सीन में शूट करने के लिए ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि मुंबई में ही इंटरनेशनल लोकेशन का सेटअप बनाकर शूटिंग की जाएगी, लेकिन दोस्तों अब कोरोना के मामले को कम होता देखकर मेकर्स अब अगस्त में विदेशों की शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। मेकर्स ने 15 अगस्त के बाद सलमान खान कटरीना कैफ के साथ विदेशी लोकेशन पर शूटिंग करने का प्लान बना लिया है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय? सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।